Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आपने देखा कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार जैसे किया गया। इससे पहले मनीष जी जेल में, संजय सिंह जेल में है और सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर, हमारे चार बड़े नेता जेल के अंदर है। और स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी से 50 घंटे पहले सुबह के 5 बजे मेरे घर पे, मेरे गांव वाले ऑफिस में, मेरे गांव वाले घर पे, मेरे पीए के यहां पे, कई जगह 6-7 जगह ये रेड डाली गई और करीबन 50 घंटे पूरे घर को जेल की तरह अंदर बंद कर दिया गया। रात भर सोने नहीं दिया, रात रात भर क्रॉस क्वेश्चन किए गए। और आपको जान के हैरानी होगी कि 50 घंटे की छानबीन में इनकम टैक्स आयकर विभाग को गुलाब सिंह के घर से, जो मटियाला विधानसभा से विधायक है और अरविंद केजरीवाल का सिपाही है, भगत सिंह के चेले हैं, उनके घर से 1,44,000 रुपए उनको मिले और मात्र 10 तोले सोना। वो ये उम्मीद लेकर आए थे कि करोड़ों लोग, करोड़ों पैसा मिलेगा। जगह जगह उन्होंने कोई कोना घर का नहीं छोड़ा। लेकिन मैं एक मोदी जी को कहना चाहता हूं, आप भावनाओं से मत खेलिए। मेरी पत्नी कई वर्षों से बीमार है, माताजी भी बीमार है और बच्चे छोटे हैं। मेरे बड़े बेटे को एक जगह डिटेन किया गया बिल्कुल अलग से 50 घंटे, और मुझे मेरी परिवार के साथ में रखा गया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको हाउस के अंदर डिटेन किया गया। लेकिन मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और विशेष तौर पर मैं अपने साथी विधायकों को यह संदेश देना चाहता हूं कि यह अब हर रोज होगा। आज इनकम टैक्स आया है, कल ये ईडी को भेजेंगे, परसों ये सीबीआई को भेजेंगे। मैं मोदी जी आपको कहना चाह रहा हूं कि अगले 7 जन्म जेल में रख लो, 7 जन्म अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की जय, अरविंद केजरीवाल। जितनी बार आप भेजोगे हम उतने ही उत्साह के साथ जेल में जाएंगे। मुझे मालूम है अब ये 10 दिन में, हफ्ते में, 5 दिन में ईडी को भेजेंगे। भेजिए, एक इनको रसीद मिली, उस रसीद के अंदर 2014-15 के चुनाव में जो हमारे साथियों ने डोनेशन दिया था उसकी लिस्ट मिली। बोले ये पैसा कहां से आया? मैंने कहा भाजपा का वो चुनावी बॉन्ड नहीं है, जो भ्रष्टाचार करके उन कंपनियों से फायदा लेके उन कंपनियों के ऊपर आईटी और ईडी की रेड करा के और आप बॉन्ड के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए वसूलते हो। ये ईमानदार कार्यकर्ता और ईमानदार जनता का दिया हुआ पैसा है और हम साबित रखने का हुनर रखते और करके दिखाएंगे। अगर कोर्ट जाना पड़ा इनको मुंह दिखानी पड़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार के आप लोग सब यहाँ पर आए, सभी कार्यकर्ता साथियों का आभार। और तैयार रहिएगा, बिल्कुल तैयार रहेंगे। लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव तक और उससे आगे तक अरविंद जी, मनीष जी जब तक जेल से बाहर ना आ जाए। मैं दिल्ली के अपने एक एक साथी विधायक को कहना चाहता हूं, टूटना मत, रुकना मत, झुकना मत। साल रख लेंगे, 2 साल रख लेंगे, 3 साल रख लेंगे, मार नहीं सकते। कानून तो है, कोर्ट तो है, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम न्यायपालिका के दम पर यह लड़ाई लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लड़ाई जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।